के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलते हैं आज के इस क्लास को देखते हैं। बताइए ज्ञा व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगर देखिए यहाँ पे जैसे एक दो और शब्द आते हैं, जैसे आपका अक्ष है, इसके लिए ना आपको क हलंत प्लस मूर्धन्य स याद रखना होता है अक्ष के लिए। अगर त्र व्यंजन दे देगा और पूछा जाए कि त्र का क्या होता है, त्र का त में आपको हलंत प्लस र लगाना है त्र के लिए, और अगर य के लिए आपसे पूछे तो आपको सबसे पहले ज में से हलंत प्लस या लगाना होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है। नंबर सेकेंड, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। ध्यान रखिएगा अगर पूछेगा इन सब में से निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण क्या है तो आपको यहाँ पे सेकेंड टेक करना होगा। जैसे देखिए यह है, वह है, ये, वे, ये सारे ना ध्यान रखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के तहत आता है, ठीक है। इस पुस्तक को देखो, इस जो है इसी के लिए आपको निश्चयवाचक सर्वनाम बताना होगा। नंबर थर्ड है, कौन सा क्रम सही नहीं है। देखिए कर्म निश्चय के लिए अधिकरण तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है, पुरुषोत्तम के लिए दिया हुआ है बहुव्रीय समास, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नंबर थर्ड है, आपाद मस्तक यानी कि अव्यवी भाव समास, हाँ यह है, मंद बुद्धि यह कर्मधारय तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही है। नंबर सेकेंड आपको ध्यान रखना है गलत है, ये ना बहुव्रीय ना होकर के अब सवाल बनता है कि पुरुषोत्तम कौन सा समास है, तो पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में जो उत्तम होता है, पुरुषों में जो उत्तम हो उसे कहते हैं पुरुषोत्तम, और यह ना तत्पुरुष समासा जो अधिकरण तत्पुरुष है यह याद रखेंगे। यह जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है ना, इसको यहाँ पर अगर सेट कर देंगे तो यह सही हो जाता है। किस क्रम में अयादि संधि नहीं है। नंबर फोर का राइट आंसर अयादि संधि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, नी प्लस अस्थ यानी कि न्यस्त में नहीं है। नंबर फाइव है, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है। नंबर फर्स्ट, कंस की हत्या कृष्ण ने, यही सही हो जाएगा, यह अशुद्ध है, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, बिल्कुल सही बात है, मैंने इस काम में बड़ी भूल की है, बिल्कुल, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। आप लोग भी याद रखिएगा ये जो लाइन है बिल्कुल सही है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, ठीक है। नंबर फर्स्ट पर ध्यान दें, कंस के बारे में जो कह रहे हैं ना, कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, यह सही होता है, कृष्ण ने कंस की हत्या की थी रहता तो सही होता। नंबर सिक्स, किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है। सही पर्यायवाची कहाँ पर नहीं है पूछा है। देखिए अलंकार आभूषण भूषण गहना सही है, आंसू के लिए कह रहे हैं नयन तारिका लोचन, आँख के लिए ना ध्यान रखिएगा नयन तारिका लोचन नहीं होता है, आँख के पर्यायवाची के रूप में आप नयन तारिका होता है, ठीक है, ये जो आंसू है ना ध्यान रखिएगा नहीं होगा, मतलब आँख के पर्यायवाची में आप यहाँ ऐसे समझिए, आँख के पर्यायवाची में नयन आता है, तारिका आता है, ठीक है। नंबर सेवन है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करिए। यहाँ पे आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, मुझे कपड़े धोने हैं, आई हैव टू वॉश अगर क्लॉथ्स रहेगा तो मुझे कपड़े धोने हैं, सही है। नंबर एट, वाक्य को क्रम से लिखिए, मतलब कौन कौन सा लाइन कैसे होगा सही यह बताना है। सबसे पहला, घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, फर्स्ट पर आएगा। सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, सेकेंड में आएगा। फिर आपका आएगा यहाँ पर, फिर अध्यापक के आते ही, नंबर थर्ड पर, सबने अध्यापक को प्रणाम किया, नंबर फोर में, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आप खुद से मैच कर लीजिएगा। लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई, नंबर नाइन का राइट आंसर हो जाएगा, उसके साथ दो छोटी बच्चियाँ थी। अब यहाँ पे आप सोचिए कि लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई, कहाँ से सवाल पूछा है, ध्यान रखें जो आपका
क्लास 10th का बुक है ना, वहाँ में वहाँ पे एक मतलब कहिए कि चैप्टर है जिसका कि नाम है धाते विश्वास, धाते विश्वास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं का यह जो टॉपिक है, यह जो लाइन है उठाया गया है। नंबर 11 कह रहे हैं, ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति कौन थे? ख्याल गायन में ऑप्शन नंबर आपको सेकेंड, श्याम नंदन सिंह सही जवाब है। श्याम नंदन सिंह आपको याद रख लेना है। कहाँ से लिया गया है अगर ख्याल गायन के बारे में, तो क्लास जो 9 है ना, क्लास 9, वहीं से यह ख्याल गायन के बारे में लिया गया है। नंबर 11 कह रहे हैं, धाते विश्वास की कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? धाते विश्वास में आपको बताना है महानदी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि ओडिशा आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। फाइंड द एंटोनिम ऑफ मास्टर, यहाँ पे आपको मास्टर मतलब हो गया प्रधान, मुख्य, मूल, इसके लिए आप हेड वगैरह जैसे वर्ड होता है, यानी कि आप ऑग्जिलरी जो है यह सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर फिल इन द गैप्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, सी सी गोज, सी के साथ, सी और ही के साथ, गो नहीं बल्कि गोर होता है। सी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे। फाइंड द सिनोनिम ऑफ एब्सोल्यूट, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, अनलिमिटेड सही जवाब। नंबर 15 है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो मिस्टेक तब आपको टिक करना है आंसर 4। कह रहा है, द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन एट एवरी अर्ली एज, यहाँ पे बताइए क्या टिक करेंगे? यहाँ पर ना गेम जो है यानी कि सक्सेडेड टू द थ्रोन होना था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो एट अ वेरी अर्ली एज है ना, यहाँ पे आपका क्या है, मिस्टेक है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे सेकेंड टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट गिवेन ऑप्शन, यहाँ पे क्या टिक करेंगे? आइडियल मैन, यहाँ पे एन, यहाँ पे बताना है एन, आइडियल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडल अवे हिज टाइम, सेकेंड सही जवाब है। नंबर 17, यहाँ पे सही इसका ट्रांसलेशन बताइए, मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया, द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, ऑप्शन नंबर 4, द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ सही जवाब है। नंबर 18 है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, यहाँ पे अगर एरर नहीं है तो वही फिर से देखिए, महात्मा गांधी लेवर्ड टू द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, यहाँ पे सेकेंड में क्या है ऑफ ह्यूमैनिटी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा फोर द गुड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, फोर द गुड का यूज होगा, यानी कि सेकेंड वाले में यहाँ पे टू द गुड है ना, यहाँ पे इसके लिए आपको फोर द जो गुड है यह यूज करना होगा, फोर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी सही जवाब है। हाउ आज इसमत चूट गई अ करेजियस एंड कंट्रोवर्सियल राइटर, यहाँ पे आप नंबर थर्ड पे ध्यान दें बोथ, क्योंकि ना फोर अनकन्वेंशनल राइटिंग्स, सेकेंड फोर मिरेकुलर पर्सनैलिटी, दोनों सही जवाब है। यहाँ जो है ना आप ऐसे समझिए ना कि एक मतलब विवादित कह सकते हैं, और जो मतलब फेमस टाइप से रहे हैं वे रहे हैं ये इस्मत चूट गई, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेप्रीमेंटेड एज यूज्ड इन द चैप्टर, नंबर 20 का राइट आंसर, रेप्रीमेंडेड ना टू टेल समबडी ऑफिशियली, ऑफिशियली होता है मतलब किसी को आप ऑफिशियली ऑफिशियली कह
किसी को आप ऑब्वियसली इस तरह से कहते हो कि आपने क्या काम गलत किया है, ठीक है। इसके लिए आपको नंबर सेकेंड, टू इज कॉल्ड फॉर रॉन्ग डूइंग, यानी कि ऑफिस से जुड़ा हुआ, जैसे काम कुछ ऑफिस का जो एक ऑर्डर होता है, एक होता है कि आप बोलचाल की भाषा में किसी को कुछ कहते हैं और एक होता है ऑफिशियल कहना, तो ऑफिशियल के तरह यहाँ पे आपका यूज किया गया है। अब यहाँ से सामाजिक विज्ञान को देखिए, बिरजू महाराज प्रख्यात हैं किस चीज के लिए? ऑप्शन नंबर 4 कथक के लिए सही जवाब है। पद्म रत्न और अन्य उच्चतम समानार्थ जो पुरस्कार है, पुरस्कारों के पुरस्कार समिति के जूरी का प्रधान यानी कि अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, भारत के उपराष्ट्रपति। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, शोषण पर नियंत्रण बनाकर रखना। निम्न में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? तो भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से आप कोलकाता को कहते हो। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? 12 दिसंबर 1911 को। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे? डी नंबर 4 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालक्रम के हिसाब से सही है? यहाँ पे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, भारत छोड़ो हुआ था 1942 1942 में, और कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। नंबर फर्स्ट सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला की स्थापना किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ट्वेंटी 7, यहाँ पे होना है 27 नंबर है, तो राइट आंसर टिक करिएगा। पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल, इन्होंने ही किया था। नंबर 3, ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी इन सब में से नहीं मिलती है? संयुक्त परिवार प्रणाली की मिलती है, वर्ण व्यवस्था की मिलती है, विवाह प्रथा का भी पता चलता है, लेकिन कृषि का पता नहीं चलता है। अबुल फजल ने लिखा है, क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर ठीक, ये अकबर नामा को ध्यान रखना है, अकबर नामा है, ठीक है, अकबर नामा आपको ध्यान रखना है। भक्ति संतों में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उत्कृष्ट? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे कभी टिक करना होगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? बाधा डालने का काम लकड़ी का काटना, ऑप्शन नंबर 3 है सही जवाब है। भारत रत्न को सबसे पहला प्राप्त किया था किसने? डॉक्टर राधा कृष्ण किए थे। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना का नाम बता दीजिए। गंडक परियोजना याद रखिएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नंबर 34, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा रेखांकित सीमांकित की गई थी? यहाँ पे आप नंबर 3 रेडक्लिफ याद रखिएगा, रेडक्लिफ लाइन के थ्रू। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है, कहाँ पर है? हैदराबाद में है, कहाँ पर हैदराबाद बता दीजिएगा। नंबर 36, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति का नाम बताएं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। माइका खान पाया जाता है, कहाँ पर है माइका खान? माइका खान है कोडरमा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी कहाँ की? ये ब्रिटिश थी, ये आपको टिक करना होगा। निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धो और कानू, यहाँ पे सिद्धो लिखा है, सिद्धो होता है और कानू इनसे संबंधित है? ये संथाल क्रांति, ध्यान रखिएगा, संथाल क्रांति किनसे संबंधित है? सिद्धो और कानू से है। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रश्नकाल कहते हैं, नंबर 2 सही जवाब है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है, ए राइट आंसर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होता है? यहाँ पे आप आराम से टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा के प्रति। बताइए कि वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा।
राजेंद्र जो चोलते यही थे, राजा राजेंद्र सही जवाब, राजेंद्र प्रथम जो है यह ध्यान रखिएगा। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मेन कैंप मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर टिक करेंगे, थर्ड जर्मन में। भूमंडलीय पवन बताइए क्या होगा? यहाँ पे आपको टिक करना होगा। नंबर सेकेंड, दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है कौन? भूमंडलीय पवन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवप्रस्तर युग और ताम्रप्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चिरांद आप बता देंगे, बिहार के सारण जिला में, सारण जिला में है यह। अजमेर का नाम सूफी संत किसके साथ? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफेद क्रांति का जनक माना जाता है? सफेद क्रांति का जनक ऑप्शन नंबर वी कुरियन है, यानी कि वर्गीज कुरियन होगा। भारत में सफेद क्रांति के जनक के नाम से आप जानते हो इन्हें। सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र, ऑप्शन नंबर सेकेंड टिक करेंगे। भारत सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन करता है कौन? देखिए अगर सरकार पूछेगा ना, तो विधानसभा के सदस्य दिया हुआ ना, नहीं विधानसभा खुद जो है सरकार के अलग अलग विभाग का कार्यकलाप वगैरह का अनुमोदन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी टिक कर दीजिएगा, विधानसभा अगर रहता तो सही होता, विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर फोर, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। नॉर्वे स्वीडन और जो डेनमार्क है ये सभी यूरोपीय देश के नाम हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? यजुर्वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है। ऋग्वेद मंत्र का संग्रह है, ध्यान रखेंगे, इसमें 1,017 मंत्र है और अगर पूछेगा 10 मंडल है, यह भी ध्यान रखिएगा। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? नंबर सेकेंड, बिहार में हुआ था, यहाँ पे बिहार में ना 1 अक्टूबर 1967 को, ध्यान रखिएगा, पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज थे टी एन वेंकट रमन साहब, इन्हीं के अध्यक्षता में एक आयोग बना था। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर थर्ड, कैस्पियन सागर आप बताएंगे। देखिए 3,94,000 से ज़्यादा इसका एरिया है, यानी कि वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, ध्यान रखें। लेक के बारे में दिया हुआ है, लेक आप ध्यान रख सकते हो, 69,000 और 485 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। एक मिनट, लेक, अच्छा लेक दोनों दिया है ना, लेक विक्टोरिया के लिए आप याद रख लीजिएगा ये, ठीक है, विक्टोरिया के लिए याद रखना है, ठीक है। और सुपीरियर के लिए अगर पूछेगा ना, तो सुपीरियर के लिए आपको 82,414 वर्ग किलोमीटर याद रखना होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, मतलब थोड़ा सा लिखने में प्रिंट मिस्टेक था, उसे ध्यान रखेंगे। डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? यहाँ पे आप राइट आंसर आराम से टिक करिए, ऑप्शन नंबर फोर, भारत और अफगानिस्तान का। मानव विकास के संगठक कौन है? मानव विकास के संगठक में ऑप्शन नंबर आपका दीर्घ और स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोग तथा जीवन दशा, तीनों आता है, तो ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण साहब थे, थर्ड राइट आंसर है। औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किया और इसे दूसरा दिल्ली बनाने का प्रयास किया? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा पटना को। बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बताइए, तो बिहार में राज्यसभा के सदस्य की संख्या है 16, और अगर विधान परिषद पूछेगा तो आप बता दीजिएगा 75 है बिहार में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सही क्रम में आपको चुनना है, यहाँ पे मतलब इन सारे नाम, यानी कि आपको मुख्यमंत्रियों का नाम सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, है ना,
नंबर फर्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ना, भागवत झा आजाद, फिर सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी और अंत में श्री नीतीश कुमार जो कि अभी बने हुए हैं। सामान्य ज्ञान यहाँ देखिए देखिए, लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कह रहा है कि सही है? भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक करेंगे। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? ये ना नगर पालिकाओं के संशोधन से संबंधित है, 74वां वाला, ठीक है। बताइए कि गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं के द्वारा की जाने वाली जीवती पूजा मुख्य रूप से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है? ऑप्शन नंबर आपको थर्ड ठीक करना होगा, महाराष्ट्र में भी होता है। महाराष्ट्र और गुजरात एक ही था पहले, वहीं से उठकर मतलब गुजरात अलग हुआ तो गुजरात में भी स्टार्ट है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की है? यहाँ पे नंबर थर्ड आप टिक करेंगे, अकबर ने किया है। नंबर 65, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? लॉर्ड कार्नवालिस। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? नंद वंश ने। नंबर फर्स्ट सही जवाब है, नंद वंश मौर्य राजवंश के ठीक पहले का वंश था, ध्यान रखेंगे। नंबर 67, कह रहे कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल का नाम, ऑप्शन नंबर सेकेंड मृदुला सिन्हा बताएंगे। महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपको 4 टिक करना होगा, कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे तरल आस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देताओं के अनुसार के रूप में परिभाषित किया जाता है? नंबर फर्स्ट सांविधिक चल निधि अनुपात के रूप में। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1882 में किया गया था। अगर डेट पूछेगा तो आप 3 फरवरी का याद रख सकते हो। साइंस से सवाल है, कह रहा है एक हॉकी गेंद जिसकी की मात्रा 200 ग्राम है पश्चिम से पूर्व की ओर 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, उसे हॉकी स्टिक से टक्कर दी जाती है एवं गेंद सीधे 5 मीटर पर सेकंड की गति से मुड़ जाती है। गेंद एवं हॉकी स्टिक 0.2 सेकंड तक संपर्क में रहता है, हॉकी स्टिक के द्वारा आरोपित बल क्या है? यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर आ जाएगा, 15 न्यूटन। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान बताइए, ए राइट आंसर J=gm/r² सही जवाब है। हवा में प्रकाश का वेग दिया हुआ है इतना मीटर पर सेकंड और कांच में दिया हुआ इतना मीटर पर सेकंड, तो कांच का वास्तविक जो है वर्तनांक क्या होगा? देखिए 10^8, 10^8 कटेगा 3/2 यानी कि 1.5 आ जाएगा सही जवाब। हवा में प्रकाश का वेग बटे कांच में प्रकाश का वेग बराबर मतलब ये होता है कांच का, अगर आपको निकालना हो वैल्यू तो। अरे दो पदार्थ ए एवं बी मिलकर तीसरा पदार्थ A2B बनाते हैं, 2A+B A2B बन रहा है, ठीक है। प्रतिक्रिया से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? नंबर सेकेंड A2B की संरचना नियत है सही जवाब है। बताइए अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के एक मोल का अर्थ क्या होगा? CO2 का 44 ग्राम, 6.022×10^23 अणु या फिर आप कहीं STP पर 22.4 लीटर आयतन, सभी सही है। नंबर डी आपको याद करना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कह रहे एक मोल का अर्थ क्या होता है, ठीक करेंगे। निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए परमाणु की संयोजकता बता दीजिए कितनी है? चलिए राइट आंसर क्या होगा इसका कमेंट करके बताइए, इजी क्वेश्चन है, बस आपसे क्या पूछा है परमाणु की संयोजकता। क्लास नंबर इसका सेकेंड जो आप देखेंगे इसके बाद उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, थंबनेल पे सेकेंड क्लास शो कर रहा है, आप उसे देखिएगा पता चल जाएगा। निम्न में से कौन व्यंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया देता है?
यहाँ पे आप टिक करेंगे नंबर फर्स्ट को, CaO CaOCl2 प्लस HCl क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O बनता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट सही जवाब है। सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी इन सब में से किस में, तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम में होगा। वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है, लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता है। खिलाड़ी यानी कि एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप जो होता है इससे पहले दौड़ता है, क्यों दौड़ता है, क्योंकि ना गति का जड़त्व को वो पकड़ सके, गति के जड़त्व का लाभ उठाने के लिए लंबी कूद के लिए पहले दौड़ना होता है उन्हें। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। जब नींबू के रस का रस को कहे खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्प्लवन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड बता देंगे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट करता है ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन का तीसरे गति के नियम के तहत काम करता है। सोने यानी कि स्वर्ण पर बिजली से मुलम्मा करने से पहले प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन क्या होता है, पोटेशियम और साइनाइड सही जवाब है। स्वर्ण पर बिजली की से जो मुलम्मा करने से पहले ना विद्युत लेपन होता है ना वो होता है पोटेशियम और साइनाइड सही जवाब है। लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी में होता है फार्मिक अम्ल ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता, उस समय वेग कितना होगा, नंबर 2 बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रजुकी में पाया जाता है, नंबर 3 राइट आंसर ईल मछली में। नंबर 88 एक परमाणु के 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या बता दीजिए कितना होगा, क्या करना होता है, बस दोनों को जोड़ देना होता है, 20 प्लस 19 हो जाएगा आपका 39 द्रव्यमान संख्या। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं, नंबर 3 प्रति ऑक्सीकारक सही जवाब है। प्रति ऑक्सीकारक की उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। पानी में अस्थायी कठोरता को किसके प्रयोग से दूर आप करेंगे, CaOH2 के प्रयोग से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालकर पानी में अस्थायी कठोरता को आप दूर कर पाएंगे। यहाँ से मैथ्स का सवाल है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है पहले भी, आप में से जो भी लोग मैथ्स पे पकड़ बनाना चाहते हैं आप सबसे पहले किसी ना किसी जो बेस्ट टीचर आपको लगे यूट्यूब पे जो ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हो उनका आप क्लास देखिए, नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट से इसका आंसर वगैरह आपको कहिएगा तो बता दिया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन आप लोग को ये ध्यान रखना है किसी ना किसी टीचर को आप आज अगर जून के लास्ट में अगर यह क्लास देख रहे हो तो आप अभी पकड़ लीजिए और 10 से 15 दिन अगर अच्छे से क्लास को देखेंगे मैथ्स आपका काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। अगर आपको फ्रेंड्स क्लास पसंद आया हो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, मन हो तो क्लास को शेयर भी कर दें। प्रैक्टिस शीट नंबर 2 आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिए।